नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति को कैसे इसमें भरना है और उसमें क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। तो सारा जानकारी मैं इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति में कहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आपके ऑफिस की तरफ से आपको मोबाइल नंबर और एमपिन मिल गया है तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको अपने भाषा को बदल लेंगे, जो कि आपको जिस भाषा में समझने में आसानी हो वहाँ से उस भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम आगे की जानकारी आपको समझाते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊं तो आप सबके पास पहले पहुंच जाए। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति जो है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे कोई चेक लिस्ट नहीं जोड़ा गया है। तो चलिए हम आज आपको चेक लिस्ट जोड़ के भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे चेक लिस्ट जोड़ना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चेकलिस्ट, नया चेकलिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार स्टेप में आपको सारा चेकलिस्ट भरना है। तो आपको बारी बारी से सारा स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो जैसे ही आप लोग अपना चेकलिस्ट ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको शुक्रवार 16 अप्रैल 2021, जिस दिन आप लोग इसको ओपन करेंगे उस दिन का यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा। तो आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आपको इस चेकलिस्ट को यहाँ पे भरना है। स्वच्छता और सुरक्षा को ओपन करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र परिसर की रोज़ सफाई होती है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। रसोई घर या किचन साफ रखा जाता है, तो रसोई घर और किचन साफ ही रखा जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग हाँ कर देंगे। शौचालय को रोज़ धोया और साफ किया जाता है, अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय है तो उसको रोज़ धोया और साफ किया जाता है, तो उस पर हम लोग हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है भंडारण क्षेत्र को कृंतकों और कीटों से साफ और मुक्त रखा गया। तो जहाँ पे आप लोग भंडारण अपना अनाज रखते हैं वहाँ पे कृंतकों और कीटों से साफ मुक्त रखा गया, तो इस पर ही हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण। तो राज्य के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार आपको जो भी सामग्री का संग्रहण होता है तो उस पर ही हम लोग हाँ कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार THR का संग्रहण, इस पर भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है कीटाणुनाशक, कीटनाशक अलग से संग्रहित और लेबल किए जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग को हाँ कर देना है। फिर से पूछ रहा है किरोसिन चारकोल जैसे ईंधन अलग से संग्रहित है, जैसे किरोसिन और कोयला, जो चारकोल को कोयला बोलते हैं, तो उसको अलग से संग्रहित करके रखा जाता है, तो इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे। परिसर में पोर्टेबल पानी उपलब्ध है, जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें आपके पोर्टेबल पानी यानी कि टंकी में जो नल वगैरह होता है तो उसमें पानी उपलब्ध है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का दूसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, खाद सुरक्षा और हैंडलिंग। तो चलिए इसमें पे क्या क्या ऑप्शन मांग रहे हैं उसको भी भर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है खाना पकाने का क्षेत्र स्वच्छ है, तो इसमें हाँ पे क्लिक करेंगे। बर्तन और साधन साफ रखा जाता है, तो हाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आता है दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय रूप से खरीदी गई सामग्री मानक गुणवत्ता की तेल, तो जो आप लोग सामग्री खरीदते हैं वो दिशा निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण होता है कि नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे हाँ कर क्लिक कर देंगे। फिर आयोडीन युक्त नमक कर देंगे। मसाले फिर हाँ क्लिक करेंगे। ताज़े सब्जियाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। दलहन हाँ पे क्लिक करेंगे। चीनी गुड़
इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, जो आप अपने व्यक्तिगत स्वच्छता अपने खुद के स्वच्छता के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और फिर पूछ रहा है उचित व्यक्तिगत व्यवहार, जो आप बच्चों के साथ व्यवहार करती हैं उनके साथ उचित व्यवहार करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी हाँ क्लिक कर देंगे। हाथ धोने की प्रथा का पालन किया जाता है, जब आप खाना पकाने जाती हैं तो उससे पहले आप लोग हाथ धोती हैं कि नहीं धोती हैं, उसको यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस पर अभी हाँ पे क्लिक कर देंगे। भोजन साफ प्लेटों और कटोरे में परोसा जाता है, तो इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक करेंगे। अतिरिक्त भोजन कचरे का उचित और सुरक्षित तरीके से निपटान होता है, तो जो खाना हम लोग बच्चे को परोसते हैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको कचरे का डब्बा में उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे। दिन भर के काम के बाद सेंटर के सफाई की गई, तो जो आप लोग दिन भर काम किए हैं उसके बाद जो बच्चे हैं वो खाना वगैरह खा के छोड़ देते हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि सफाई की गई कि नहीं, तो इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि खाना बच्चे खाने के बाद जो कचरा होता है उसको हम लोग साफ सफाई करने के बाद ही सेंटर को बंद करते हैं, तो इसलिए इस पर हाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जारी रखे पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप खुल के आ जाता है, खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग THR, तो यहाँ पे पूछ रहा है AWW द्वारा प्राप्त भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार होता है, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। वितरण पर पैकेजिंग बराबर है, जब आप लोग THR का वितरण करते हैं तो उसमें पैकेजिंग होता है, तो उसमें बराबर बराबर पैकेजिंग करते हैं, तो हाँ। राज्य दिशा निर्देश के अनुसार लेबलिंग, तो यहाँ पे भी हम लोग हाँ पे क्लिक करेंगे और जारी रखे पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग का लास्ट स्टेप आ जाता है, रिकॉर्ड और रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा, तो इस पर भी हाँ। गर्म पकाया भोजन प्रति लाभार्थी सरकारी आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है, जो आप लोग गर्म पकाया भोजन प्रति लाभार्थी को देती हैं वो सरकारी आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है, इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे। अनुरक्षित सामग्री की गुणवत्ता पर विवरण, स्थानीय रूप से खरीदा गया, तो जो आप लोग सामग्री गुणवत्ता पूर्वक जो आप लोग सामग्री खरीदते हैं स्थानीय रूप से, तो उसमें गुणवत्ता पूर्वक सामग्री को रखा गया, तो इस पर भी हम लोग हाँ पे क्लिक करेंगे। और आता है यहाँ पे FCI से प्राप्त हुआ, अगर आप लोग कोई भी सामान जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं अगर वो FCI से हम लोग को प्राप्त होता है तभी यहाँ पे हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे, अन्यथा जो हम लोग दुकान से सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग नहीं पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी FCI से कोई सामान प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि FCI के मतलब हो गया फास्ट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डीलर लोग से सामान आता है उसको FCI हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अभी है उसके लिए आप लोग ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, इसमें हाँ पे भरा जाएगा या नहीं पे भरा जाएगा, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्त हुआ, तो प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्त हुआ तो इस पर भी हम लोग अभी फिलहाल के लिए नहीं क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी ऑफिस से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र में सामग्री साबुन आदि की खरीद का विवरण है, अगर आप लोग साबुन और साफ सफाई का सामग्री खरीद का विवरण अपने आंगनवाड़ी केंद्र में रखती हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में कीटाणु नाशक रोगाणु नाशक आदि का खरीद का विवरण है, अगर आप लोग के आंगनवाड़ी केंद्र में कीटाणु नाशक जैसे कि कोई सैनिटाइजर या किस कीटाणु नाशक जो भी आपको लिक्विड आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे है खरीदा गया है उसका विवरण है तो हाँ करेंगे, और अगर नहीं है तो इस पर हम लोग नहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का सारा डाटा यहाँ पे चेकलिस्ट तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप लोग इसको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार यहाँ पे आप लोग को अपना चेकलिस्ट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को चेकलिस्ट भरने में कोई परेशानी ना हो।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।